सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। विद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि 100 नंबर के बारे में और 10 नंबर के बारे में उन्होंने बताया कि आपको इसके द्वारा तत्काल सहायता मिलेगी। ये आज के समाज में घटनाएं बड़ा भयंकर विकराल रूप ले रही हैं और इसके लिए जरूरी है कि आप लोग जागरूक और साहसी बने। जब आप अपराधी की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, ललकारेंगे, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि आपके साथ छेड़खानी करे। और इसके साथ ही आप कानून का सहारा लें और जैसा आपको बताया गया है उन चीजों पर ध्यान दें। साथ में संगठन बनाकर एक साथ आप चलें और किसी पर गलत आरोप भी ना लगे। इसलिए आपका नाम, पता, आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी, नहीं तो ना तो आपका नाम सामने आएगा, आप किसी भी प्रकार की समस्या हो आप उनको बता सकती हैं। और कुछ किसी को पूछना है? ये एक महिला सहायता कोष बना हुआ है जहाँ पर महिलाओं की सहायता की जाती है। आप फोन करेंगी वहाँ पे एक महिला ही फोन उठाएगी और आपसे बात करेगी, आपकी समस्या पूछेगी और बहुत ही विनम्रता के साथ आप अपनी समस्या को बता सकती हैं। आप अपना बचाव कर सकते हो हर तरीके से। किसी कोई समस्या नहीं है आपको? आज यहाँ पे मीटिंग की गई थाना पूंछ के अध्यक्ष जी, थाना पूंछ अध्यक्ष द्वारा, रेशम महोदय द्वारा, तो यहाँ पे क्या मीटिंग की गई, बच्चों को क्या जानकारी दी गई? पूंछ थाना अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह यादव द्वारा आज हमारी छात्राओं की मीटिंग ली गई, जिसमें उनके साथ महिला कांस्टेबल वंदना जी और अन्य स्टाफ आया, जिसने हमारी छात्राओं को ये बताया कि किस तरह से वो आत्म सुरक्षा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि छात्राएं कुछ नहीं तो पिन लगाती हैं, पिन लें, मिर्ची का पाउडर लें, ऐसी चीज़ें लें जो उनके इमरजेंसी में काम आ सके, ऐसी चीज़ों से वो सुरक्षा कर सकती हैं। छात्राओं को ये बताया गया, जो छोटी छात्राएं हैं, कि अगर कोई भी व्यक्ति उन्हें संदिग्ध लगता है या उन्हें घूर कर देखता है, अश्लील कोई बात कहता है, तो अपने माता पिता को बताएं। अगर वो माता पिता से नहीं बता सकते हैं तो यहाँ आकर के अपने शिक्षक को बताएं, प्रिंसिपल को बताएं, उस बात को छुपाएं नहीं। हमारी छात्राओं ने इस पर सहमति व्यक्त की, उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ निश्चित रूप से। और एसओ महोदय द्वारा ये अनुरोध किया गया कि हमारे यहाँ NCC, NSS और स्काउट तीनों संस्थाएँ संचालित हैं। हम अपनी छात्राओं से अधिक यही कहना चाहते हैं कि सारी छात्राएं इनमें प्रतिभाग करें, जिससे उनके अंदर आत्म सुरक्षा का भाव पैदा हो, आत्म सुरक्षा के गुण सीखें, NCC के माध्यम से वो लड़ना सीखें। सर, कॉल करने के लिए भी बताया गया, किस नंबरों पर कॉल करने को? ये 800 पर करें और 1090 छात्राएं कॉल कर सकती हैं, 100 नंबर और 10 नंबर पर। उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा, किसी को भी उनकी गोपनीय जानकारी नहीं दी जाएगी, लेकिन मदद सभी की जाएगी। इस समय वर्तमान एसओ साहब छात्राओं के पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कि जिससे उन्होंने प्रत्येक विद्यालय में जाकर के जुलाई माह में ये निर्णय लिया है कि हम हर छात्रा को प्रेरित करेंगे और उसके अंदर जो पुलिस का भय है उस पुलिस के भय को बाहर निकालेंगे, जिससे हमारी छात्राएं इमरजेंसी में किसी भी संकट में फंसती हैं तो तुरंत वो अपने पुलिस को अपना हितैषी मानते हुए, मित्र मानते हुए, उससे अपनी मदद लेने में संकोच नहीं करेंगे। किस विद्यालय में जानकारी दी गई है?
ये रामस्वरूप यादव कन्या इंटर कॉलेज में, रामस्वरूप यादव महाविद्यालय में, जहां हमारी 6 से लेकर के 12 तक की छात्राएं थीं, डिग्री कॉलेज में और बीटीसी विभाग में डीएलएड में जो छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, भावी शिक्षक बनने जा रही हैं, उनको भी यहां बुला करके और इन चीज़ों से अवगत कराने का काम आज किया गया है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।